कर लेते सुबोध जी, ये जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं। लोग हालांकि तस्वीरों को देख के डर जरूर रहे, लेकिन आपकी सरकार कह रही बार बार कि डरने की जरूरत नहीं है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, कैसे वहाँ खेल आते, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 24 मेगावाट का एक डैम था गंगा में, और जिस पर ग्लेशियर के टूटने से डैम का एक हिस्सा है, और इसको केदारनाथ की भयावहता से तुलना करना उचित नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि केदारनाथ के अंदर एक लेक बस हो गई थी, और लेक बस के बाद बड़ा वॉल्यूम से पानी चला आया था। इसमें चूंकि 24 मेगावाट का एक छोटा बांध था, और उसके टूटने से, और प्रभु की कृपा ये भी कि दिन की बात है तो सभी ने अलर्ट जारी कर, सबको कहा गया है कि जान की चिंता करें, और क्योंकि मनुष्य रहेगा तो दोबारा अपना अपनी संपत्ति फिर इकट्ठा कर सकता है, तो लोग बड़े सतर्क हैं, और लोग लगातार सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। एसडीआरएफ अपने खाते लगी है, आर्मी को बुला दिया गया है। जी सुबोध जी, क्या आप भी वहां पर जाएंगे जहां पर ये हालात बने हुए हैं भयंकर तबाही के? देखिए मुख्यमंत्री जी रवाना हो रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से हम लोगों को वहां जाना है, हम जाएंगे। जी सुबोध जी, ये बताइए यहाँ पर जो तबाही की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, इसको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर जानमाल का नुकसान हुआ होगा, क्या आकलन है सरकार का, कितना नुकसान हुआ होगा वहाँ पर अभी फिलहाल जानमाल का और चीजों का? बाकी किसी जान जाने की कोई अभी सूचना हमें नहीं मिली है कि किसी व्यक्ति की जान गई हो। मैंने आपसे कहा एसडीआरएफ लगी है, और जैसे सूचना होगी निश्चित रूप से, इसमें कोई छुपाने वाली बात तो होती नहीं है। जी तो इसमें लोग, मैंने आपसे कहा आदमी बुला दी गई है, एसडीआरएफ काम पे लगी है, और चमोली पानी पहुंच चुका है, 1.5 घंटे में रुद्रप्रयाग पहुंचने की संभावना है। रुद्रप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक नदी के ट्रक को लगातार हमारा प्रशासन जो है लोग खाली करवा रहा है। मैं स्वयं इस समय कैलाश गेट में हूँ, मुनिकी में हूँ। जी सुबह जी, यहाँ पर आपसे जी आपसे एक और फीडबैक लेना चाहेंगे, वहां पर अभी तक कितनी टीमें रवाना कर दी गई हैं जो वहां पर इस हालात पर काबू करने में जुटी हो, चाहे एसडीआरएफ, चाहे एनडीआरएफ की हो, चाहे आईटीबीपी की टीमें हो? जी मैंने आपसे कहा एसडीआरएफ वहां पर पहुंच चुका है, और आर्मी बुला दी गई है, एनडीआरएफ भी बिल्कुल अपने अलर्ट होकर के तैयारी कर रहा है। मैंने आपसे कहा कि इस समय सबसे बड़ी चीज ये है कि जो गंगा के तट है उनको किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है, उस पर सारा प्रशासन पूरे चारों जिलों का लगा है, ताकि आम आदमी सुरक्षित रहे। जी सुबोध जी, देखिए वहां पर हालांकि हालात जैसे बने हैं उसको देखते हुए लगता नहीं कि जल्द वहां पर हालातों पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिशें पूरी जारी हैं। एक चीज ये बताइए, वहां पर जब टीमें पहुंची हैं तो क्या वहां पर कुछ लोग आप लोगों को फंसे नजर आए हों? हालांकि बहाव बहुत तेज था, बहते चले गए होंगे स्टेज वेग में। मैंने आपसे कहा ना, यदि किसी किसी जान जाने की सूचना हमें नहीं प्राप्त हुई है, और मैंने आपसे कहा जो ऐसी कोई बात होगी तो छुपाने की बात नहीं होती है। नहीं सुबोध जी, देखिए हम जान जाने की बात नहीं करें, हम ये बात करें कि वहां पर अगर टीमें वहां पर पहुंची हैं तो वहां पर यकीनन काम जारी है, रेस्क्यू का, लोगों को बचाने का काम जारी है, तो क्या अभी तक कुछ लोग आप लोगों को मिले हैं जो वहां पर फंसे हो, टीमों को थोड़ी सी यहां पर सफलता मिली हो, लोगों को बचाया? अभी अभी मैंने आपसे कहा ना, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि किसी तरह कोई व्यक्ति को मरा हुआ या जीवित पाया गया हो, अभी तक की कोई सूचना नहीं मिली है। जी सुबोध जी, देखिए अभी हमारे साथ थे उत्तराखंड के डीजीपी अशोक जी खुद जुड़े थे, उन्होंने कहा कि तकरीबन जिस ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है वहां पर तकरीबन 50 से 100 लोग ऐसे हैं जो इस तेज बहाव में बह गए हैं, तो क्या ये वही आंकड़ा है 50 से 100 के बीच का, या फिर इससे कम जैसे जो हो सकता है? बताया गया है कि डैम में जो 50 लोग काम कर रहे थे वो डैम स्थल पे थे, तो उनके बारे में मैंने आपसे कहा ना जानकारी मालूम की जा रही है, और जितना आदमी उस प्रोजेक्ट में उस समय था संभावना भी यही है कि उन लोगों की अभी तक उनके बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है, जैसे कोई सूचना मिलेगी बता दिया जाएगा। सुबोध, देखिए कई जगह की तो संपर्क ही टूट चुके हैं, वो छोटे छोटे जो पुल बनाए जाते हैं रास्तों को पार करने के लिए वो तो पूरी तरीके से बहते चले गए, तो फिर कैसे हम पहुंच पाएंगे उन दुर्लभ जगहों पर जहां पर तबाही का मंजर फैला है, वहां से लोगों को कैसे निकाला जाएगा, इसको लेकर क्या तैयारी है फिलहाल अभी टीमों की? देखिए मैंने आपसे कहा कि हम केदारनाथ की आपदा से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, और हमारे पास बहुत जो तकनीक रूप से बिल्कुल उस लोगों की पूरी टीम है, एसडीआरएफ की है, आर्मी के, तो मैंने आपसे क्या काम करेंगे, तो ऐसी स्थिति में मेरा पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी हम स्थिति पर काबू कर लें। और बिल्कुल हम भी चाहते हैं सुबोध जी बहुत जल्द इस स्थिति पर काबू पाया जा सके, वरना ये भी कहा जा रहा है कि यूपी तक इसका असर हो सकता है, क्या वाकई में यूपी तक भी असर देखा जा सकता है इस तबाही का?
देखिए, अगर पानी का वॉल्यूम मैंने आपसे कहा कि मुझे लगता तो नहीं है, हाँ। जो प्रवाह इसे लगता है क्योंकि 24 मेगावाट का बांध था जी, और जो आपका केदारनाथ में था, केदारनाथ में मंदिर के ऊपर एक बड़ी लेक जो है वो कर गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि पानी का अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के, गंगा जी के किनारे के जो इलाके हैं उनपर भी अलर्ट होना मैं समझता हूँ। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया होगा, क्योंकि वहाँ पर भी संभावना है कि पानी का बहाव जान माल की क्षति न पहुंचाए। जी देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही सुबोध जी कि आंकड़ा क्या है, 100 से 150 तक के लोगों का जो कहा जा रहा है कि हो सकता है इस भयंकर तबाही में मारे जा सके, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है सुबोध जी, तो जल्द हमें स्थिति पर काबू पाना होगा, ये तकरीबन आंकड़ा बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? तो वही कह रहा ना, वहाँ पर कितने लोग थे इसकी सूचना मिलने के बाद ही पुलिस बता पाएंगे, क्योंकि अगर बहाव में बह गए होंगे लोग तो इन बहते बहाव में लोगों को अभी काउंट करना ही आसान काम नहीं है जी। इस समय हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग फसल है वो सुरक्षित रहे, इसलिए अगर आपने कहना है बिल्कुल मैं बाद में आपसे बात करूंगा। तो फिलहाल भी सुबोध जी वहां पर जो हालात